तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोटेक्शन मिथक। और हमारे साथ अनुज जी जुड़े हुए हैं। अनुज जी, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रोटेक्शन की सीट को, सेल को किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो हमारा एक सीट है, इसमें हमने कुछ डेटा लिख रखा है। मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन इस डेटा को देख सके, इसको कॉपी कर सके, इसको प्रिंट ले सके, बट नोबडी चेंज मेरी जो कोई भी डेटा जो है उसको चेंज ना कर सके। ठीक है, तो उसके लिए आप सीट के ऊपर राइट क्लिक करें और प्रोटेक्ट सीट पे जाएं और यहां पे पासवर्ड डालें। लेकिन देखिए, पासवर्ड डालते ही आपको यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक मैसेज दे रहा है, इफ यू लॉस्ट लॉस्ट एंड फॉरगेट और फॉरगेट द पासवर्ड, इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। मतलब कि अगर आप किसी भी तरह की पासवर्ड एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं तो वो रिकवर नहीं होगी। ठीक है सर, तो सोच समझ के पासवर्ड है और हमने इसको ओके कर दिया, पासवर्ड डाल के ओके कर दिया, ये प्रोटेक्ट हो गया। अब मैं कहीं भी किसी भी तरह का कोई चेंजिंग नहीं कर सकता जब तक कि मैं इसको अन पासवर्ड डाल के अनप्रोटेक्ट ना करूं। ठीक है अनुज जी, ठीक अब ये हो गया। दूसरा हम इसमें बात करते हैं, अगर हम इसको, ये तो हम प्रोटेक्ट करना सीख लिया, बात आती है कि एक सिलेक्टेड एरिया को कोई भी पर्सन कॉपी ना कर सके। अब मेरा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है कि कोई भी पर्सन मेरे सिलेक्टेड एरिया को कॉपी ना कर सके। तो सिलेक्टेड एरिया कॉपी ना कर सके तो कॉपी को डिसेबल करने के लिए एक्सेल में कोई ये नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, पहली बात जानिए। कॉपी तो वर्क करेगा ही करेगा, लेकिन कॉपी के लिए क्या जरूरत होती है? जी कॉपी के लिए जरूरत होती है, वो जरूरत होती है सिलेक्शन। अगर हम सिलेक्शन को ही डिसेबल कर दें तो ठीक है, तो सिलेक्शन को कैसे डिसेबल करेंगे? जब हम पासवर्ड डालते हैं, प्रोटेक्ट शीट करते हैं, तो ये बहुत सारे चेक बॉक्स जी है, इसके ऊपर क्या है, अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू। मतलब कि कॉपी करने के बाद, मतलब कि पासवर्ड अप्लाई करने के बाद, ये जो फीचर्स दिख रहे हैं सारे फीचर्स पे हम वर्क करेंगे जब इस पे क्लिक करेंगे। जब फॉर्मेट सेल कर दिया तो फॉर्मेटिंग पे काम होगा, फॉर्मेट कॉलम कर दिया तो कॉलम फॉर्मेट करेगा, इंसर्ट रो डिलीट रो, इसी तरह से। बाकी ओपी भी काम करेगा। ठीक है सर, ये हो गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये हो गया। अब इस केस में हम जो है, हम राइट क्लिक करेंगे एंड प्रोटेक्ट शीट करेंगे, और इस पे जो सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल है। अब लॉक सेल अनलॉक सेल क्या होता है इसके बारे में अभी हम नहीं जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा देर में जानेंगे। लेकिन इतना पता है कि सिलेक्शन की त्रुटि है कि पासवर्ड रखने के बाद सिलेक्ट कर सकते हैं, तो हमने इसको ओके कर दिया। तो पासवर्ड देने के बाद हम कहीं सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे, जब सिलेक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं तो कॉपी कैसे करेंगे? तो कॉपी डिसेबल करने का तरीका क्या है कि प्रोटेक्ट करते समय आप सिलेक्शन मेथड को, सिलेक्शन की जो ये है त्रुटि है वो हटा दीजिए, तो यूजर सिलेक्ट भी नहीं कर पाएगा। ठीक है अनुज जी, समझ में आया?
कॉपी को कैसे रिमूव हाँ यार, करोगे? सर एक्चुअली बीच में थोड़ा डिस्टरबेंस हुआ था। ये ना मतलब स्क्रीन सेम ही थी, बस आपकी वॉइस आ रही थी। तो ये मतलब आपने राइट क्लिक किया कर्सर पे, उसमें पासवर्ड लगाना तक तो दिखा मैं ये बोला, मैं उसका आगे कुछ जिसमें। कर किया ही नहीं मैंने। मैंने ये बोला कि जो यहाँ जो होता है ना, सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल, जी इन जी दोनों को मैंने डिसेबल कर दिया, हटा दिया। मतलब कॉपी नहीं कर सकते जी। अब मैं सिलेक्शन नहीं कर सकते, समझे? जी सर, एक बार फटाफट आप दिखा देंगे कैसे किया था आपने, मैं या वही फिर तो मतलब बोला आप हूँ कि वीडियो में थोड़ा वाइट उसको दिखा गोल्ड इस दीजिए। पे क्लिक था, यहाँ पे क्लिक था, ओके मैंने इसको यहां से अनचेक कर दिया, सिंपल। सिलेक्ट द लॉक सेल। हाँ, सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल मतलब क्या हुआ कि हमने सिलेक्शन के थ्रू हटा दी, मतलब कि पासवर्ड डालने के बाद कोई सिलेक्ट नहीं कर सकता, समझे? जी 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 ठीक इसलिए है सर। तो ओके करने के बाद क्या हो गया कि हम अब कहीं सिलेक्ट नहीं कर जी सकते। जब सिलेक्शन करेंगे ही नहीं तो कॉपी कैसे करेंगे? ठीक जी है, जी आगे बढ़ते हैं इसमें। अब दूसरा इसमें ये आता है कि हम चाहते हैं एक एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर रखना। हम चाहते हैं कि इसके कोई भी पर्सन काम करे, बाकी पे काम कर सके, मतलब सीट के अंदर जो येलो एरिया है उस पे कोई भी पर्सन टाइप कर सके, रेस्ट ऑफ येलो एरिया पे टाइप नहीं कर सके। जी ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे? देखिए, जब हम प्रोटेक्ट करते हैं ना, तो यहां पे लिखा हुआ है प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉग सेल, प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉग सेल। तो सिर्फ ये जो पासवर्ड किसको डलेगा, सिर्फ प्रोटेक्ट सेल को ही डलेगा, समझे? तो हर एक सेल हमारा लॉक्ड होता है और अनलॉक्ड होता है। तो फॉर्मेट सेल पे अगर हम जाते हैं, तो फॉर्मेट सेल पे देखिए, प्रोटेक्शंस में जिस सेल पे लॉक्ड क्लिक है वो आपका लॉक्ड है, और जिसका लॉक्ड आप अनक्लिक करके हटा देते हैं वो अनलॉक्ड है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं जी कि इस येलो एरिया को सिलेक्ट कर रहा हूं, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, प्रोटेक्शन, और इसकी लॉक को हटा दिया। तो ये जो हटाने के बाद जैसे ओके किया, ये जो येलो एरिया है ये हमारा हो गया लॉक सेल, समझ गए? येलो जी हो गया, एरिया हो गया हमारा लॉक सेल, और बाकी एरिया क्या हो गया, नहीं, येलो एरिया हो गया अनलॉक्ड और बाकी एरिया लॉक्ड है। अब मैं जी इस पे पासवर्ड डालूंगा, तो क्योंकि यहां दिखा हुआ है कि सिर्फ लॉक सेल को प्रोटेक्ट करता है, तो येलो एरिया को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, मतलब पासवर्ड डालने के बाद भी मैं इस पे काम कर पाऊंगा। बट इधर कहीं टाइप नहीं कर पाऊंगा। इसी का अपोजिट अगर करना हो कि मैं चाहता हूं कि ये जो रेड एरिया में बनाया, ये जो रेड एरिया है ये हमारा प्रोटेक्ट रहे, बाकी एरिया जी अनप्रोटेक्ट रहे। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बाय डिफॉल्ट हर एक सेल लॉक्ड होता है, तो मैंने यहां कॉर्नर पे यहां पे क्लिक किया और पूरे सीट को सिलेक्ट कर लिया, और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में गया और हमने
प्रोटेक्शन में पूरी सीट की लॉक को हटा के अनलॉक्ड कर दिया, मतलब अभी हमारा रेड एरिया भी अनलॉक्ड है, अगर हम इसमें पासवर्ड डालेंगे तो ये भी वर्क करेगा। तो यहां पे राइट क्लिक किया और इसको वापस हम लॉक्ड कर देते, ठीक है जी। तो अब पासवर्ड डालेंगे तो बाकी सारे जगहों पे काम होगा लेकिन इस पे काम नहीं होगा, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट उठाते हैं हम फॉर्म में। जैसे कि फॉर्म में मैंने मान लीजिए कि यहां पे नेम दे रखा है, यहां पे रोल और यहां पे मार्क्स, ठीक है जी। अब यहां पे मैं यहां मैं चाहता हूं कि मुझे जितना एरिया पे एलो किया है ना, मैं उसी उतने ही एरिया पे क्लिक करना चाहता हूं, कि क्लिक हो तो इतना ही एरिया पे क्लिक हो। तो राइट क्लिक किया, इसको सिलेक्ट किया और हम चले गए इसमें फॉर्मेट में, इसको पहले तो अनलॉक कर दिए ताकि इस पे टाइप हो। उसके बाद जब हम पासवर्ड डाल रहे हैं, प्रोटेक्ट शीट कर रहे हैं, तो यहां पे क्या है, लॉक सेल और सिलेक्ट अनलॉक सेल। तो मैंने अनलॉक सेल की चेकबॉक्स को रहने दिया, लॉक सेल की चेकबॉक्स को हटा दिया। अभी क्या होगा कि जब मैं एंटर मारूंगा तो जंप यहां से यहां करेगा, मतलब इन तीनों के अलावा मैं कहीं सिलेक्ट ही नहीं कर सकता, ठीक है जी। क्लियर है। अब चलिए अब बात करते हैं कि मैं एक पर्टिकुलर शीट पे दो अलग अलग पासवर्ड रखना चाहता, मतलब कि मेरे पास दो पर्सन है जो कि एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। मैं चाहता हूं कि मिस्टर ए जो है मिस्टर बी के डेटा पे काम ना करे और मिस्टर बी जो है मिस्टर ए के डेटा पे काम ना करे। कैसे करेंगे, तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा रिव्यू में। रिव्यू में आपके पास अलाउ एडिट रेंज नाम का एक ऑप्शन दिखेगा, अलाउ एडिट रेंज। मैंने इस एरिया को पहले वाले एरिया को सिलेक्ट किया, बिना सेलेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है, अलाउ एडिट है, न्यू पे क्लिक किया और यहां से अपना रेंज को सिलेक्ट कर लिया और यहां पे अपना पासवर्ड जो डालना चाहते हो पासवर्ड को कंफर्म करो। अब दूसरा एरिया है, वापस न्यू पे क्लिक कीजिए और यहां से अपना एरिया को सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड को कंफर्म कीजिए, दूसरा पासवर्ड डाल लीजिए या दूसरा पासवर्ड डालिएगा, ठीक है कंफर्म। एंड अप्लाई एंड ओके। लेकिन अभी पे इस पे पासवर्ड अप्लीकेबल नहीं हुआ, कब होगा अप्लीकेबल, जब इस पे मैं प्रोटेक्ट सीट करूंगा। प्रोटेक्ट सीट करके ओके किया, अब देखिए अब जैसे इस पे हम टाइप करने जाएंगे मुझसे पूछा, अब मान लीजिए मैंने पासवर्ड दे दिया तो ये हो गया, अब मैं सिर्फ मिस्टर ए के ऊपर ही काम कर पाऊंगा, मिस्टर बी के ऊपर काम करने जाऊंगा तो मुझसे अगेन पास, ठीक है जी। हो गया, अब मैं चाहता हूं सी सर, मैं चाहता हूं कि मैं सीट को कोई डिलीट ना कर सके या इंस्टॉल में सीट के ऊपर चेंजिंग ना कर सके, सीट को प्रोटेक्ट करना चाहता हूं, तो यहां आता है प्रोटेक्ट वर्कबुक से पासवर्ड डालिए ओके कीजिए। आप अब इस फाइल के किसी भी सीट को ना डिलीट कर सकते हैं, ना रिनेम कर सकते हैं, ना मूव कर सकते हैं, ना कॉपी कर सकते हैं, ठीक है जी।
अब फाइल की ओपनिंग पासवर्ड डालना चाहते हो कि जब भी कोई ओपन करे फाइल तो ओपन करते सबसे पहले पासवर्ड पूछे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, फाइल को सेव एज करते समय, फाइल अगर डिलीट है तो सेव एज करते समय टूल्स में जाके जनरल ऑप्शन में आप पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फाइल आपने ऑलरेडी सेव कर रखी है अब उसको सेव एज करने में दिक्कत क्या होगा, सेव एज करने में आपका फाइल का लिंक टूट सकता है, तो उस केस में आप जो है इन्फो के अंदर में एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट होता है, यहां पे एनक्रिप्ट विद पासवर्ड, यहां पे पासवर्ड डाल सकते हो, ठीक है। समझ गया सर, चला सर पासवर्ड कब डालेंगे, यहां इस पे इन्फो के अंदर में यहां प्रोटेक्ट में यहां इनक्रिप्ट पासवर्ड है, लेकिन पता नहीं क्यों इस पे वर्क नहीं हो पा रहा है, पासवर्ड स्टार्ट करना होगा एक, तो प्रोटेक्शन में थर्ड समझ में आ गया आपको, यस सर। हाँ जी हाँ सर, ये एक्चुअली होममेड आईडी है। तो ठीक है, तो प्रोटेक्शन मेथड पे आप प्रैक्टिस कीजिए, कल हम आपके साथ सॉर्टिंग एंड फिल्टर पढ़ेंगे, ठीक है सर। ओके, अब मैं वीडियो सारा अपडेट कर देता हूँ, ऐसे आज की वीडियो में यूट्यूब पे डाल देता हूँ, आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो आपके पास इवेंट या नोटिफिकेशन आ जाएगा। और नहीं सर, एक्चुअली बताए आप ये सर ये वाली वीडियो तो आप प्लीज आज डाल दीजिए ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूं। और सर जो आपने पहले भी मतलब कुछ वीडियोस अपडेटेड नहीं है, और जो आपने लिंक भेजा ना मैं उसे डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ आपके यूट्यूब में, जो यूट्यूब से डाउनलोड करने के लिए YTD नाम का सॉफ्टवेयर चाहिए होता है, डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ। और ड्राइव पे तो डाउनलोड कर लेते हैं ना, तो हाँ ड्राइव से तो कर सकता हूँ, तो ड्राइव में तो 29 तक अपडेटेड है, एक क्लास बच गई और आज की क्लास सर, एक सर उसमें 22 एंड 23 की क्लास मिसिंग है ड्राइव में, ठीक है देख लेता हूँ मैं, डाल देता हूँ, ठीक है सर।